हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार। बताइए। हेलो, सर तो हाँ सर, हाँ भाई बताइए ना। हाँ कह रहे थे सर कि हम आपसे एक सजेशन लेना चाहते सर, हाँ भाई, थोड़ा मार्गदर्शक दिखा दीजिए। बिल्कुल कह बिल्कुल रहे थे भाई। सर कि हम 2015 में पास आउट हुए थे, हमारी डिप्लोमा। डिप्लोमा सर लखनऊ अच्छा पॉलिटेक्निक अच्छा लखनऊ अच्छा से। ठीक है। तो उसके बाद हम तैयारी के चक्कर में रहे तो हम जा नहीं पाए। हमारे यहाँ से इलाहाबाद नज़दीक पड़ता था, हमारे साथ के सब लोग गए तो तैयारी वारी की तो हो गए सब। और हम एक बुआ का लड़का रहता था किसी तरह, वो भी कोचिंग पढ़ा के रहता था, तो उसी के साथ जाके रूमी पे तैयारी किए, ऐसे ही पढ़ रहे थे। और सरकारी कॉलेज था तो उसमें पढ़ाई हुई नहीं थी सर, कैसे कैसे शरण और सब रट के हम लोग पास हुए थे, तो उतना नॉलेज भी नहीं था। तब तक ट्रेनिंग मिल गई मुझे 1 साल वाले, तो ट्रेनिंग में व्यस्त हो गए, जेई बुलाने लगे रोज, तो जाना पड़ता था घर ही से, नहीं हो पाई। तो ऐसे मेरा 2 साल निकल गया सर। लेकिन दोस्त दोस्त जिस समय ट्रेन किया उस समय पूरा बुक में पढ़ डाला था, पढ़ा ऐसे ही उला मतलब पढ़ दिया था। उसके बाद सर आपका चैनल देखने तभी 17 से मैं फॉलो किया आपको। उस समय मेरे मोबाइल नहीं थे, दूसरे के मोबाइल से ही देखता था और अच्छा मेमोरी में अच्छा करके अपने छोटे से मोबाइल में देखता था। मुझे 2019 में फिर मोबाइल मेरे पास हुई, उसके बाद 17-18 में तब तक ये रेलवे का आ गया और ईपीपीसीएल, तो रेलवे का थोड़ा करने लगा। उसके बाद फिर सोचा इलाहाबाद की टेक्निकल की कोचिंग कर लें, तब तक दोनों फंसाने लगा कि उसको करें कि इसको करें, तो यही रेलवे वाला करने लगे। तब तक तो मेरा रेलवे का लोको पायलट और ये दोनों पेपर लड़ गया, लखनऊ था एक नोएडा लड़ गया, तो नहीं दे पाए यही भी लखनऊ, अरे ईपीपीसीएल। हमेशा हम 100 के नीचे ही रह रहे हैं, अब इस बार भी दिए तो 70-80 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, मतलब ज्यादा हो गया सर, तो वैसे तो अभी देखिए ना भाई, अभी क्या है, सबसे पहली बात, आपका प्रिपरेशन नहीं है पूरा, ठीक ना। समझिए, जी सर, जी सर, जो हाँ एक कॉन्फिडेंस होता है बच्चे में, वो आपके पास है जी नहीं अभी। और वो जी कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक चीज़ को पूरा सिक्वेंस से नहीं पढ़ा, समझ गए ना। कहीं कहीं आपका मिसिंग है पूरा पूरा, समझ गए ना। जी जी सर तो जैसे आपके लिए तो लगता है कि यार मैंने कर लिया, मशीन कर लिया, पावर सिस्टम कर लिया, जो भी सब्जेक्ट है आपका। हाँ सर लेकिन मशीन में भी या फिर पावर सिस्टम में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाल दे रहा है जो आपसे बन नहीं पा रहा है। सही बात है। जी जी सर जी तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो भाई आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाहरी चीज़ों को छोड़ करके कि जी मेरा सर प्रिपरेशन नहीं है, समझ गए। किसी भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सबसे जी पहले आप अपने अंदर से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मेरा प्रिपरेशन हो रखा है, समझ रहे। जी जैसे एक सर सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मान जी लेते हैं अभी SSC JEE आएगा 2 से 3 महीने के अंदर में, ठीक है। सर अब आपको पता है, हर किसी को पता होता है कि यार यहाँ पे मेरे को कम से कम तो अपना 80% देना होगा ईमानदारी से, तभी मेरा चांसेस है, क्या समझे। ठीक जी है, सर हाँ अब मान लेते हैं ये 2 महीने पहले, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप अपने आप को मात्र 40% दे रहे हैं, फिर 50% दे रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि वो आप अच्छे से जानते हैं, समझ रहे बात को। जो आदमी मेहनत करता है उसको पता होता है कि मैं कितना अपना दे पा रहा हूँ यहाँ पे। जी सर तो जब आप जितना वहाँ पे रिक्वायरमेंट है टाइम देने का या फिर मेहनत करने का, उतना आप दे नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ और आप एक्सेप्ट कीजिए कि जी सर मेरा नहीं होगा, सीधी बात, क्या समझे। ठीक है, जी 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 सर जब मैं उतना टाइम या फिर एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ तो सीधी सी बात है, मेरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जी यहीं पे लोग गलती क्या करते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद रहता है यार कि मेरा हो जाएगा, क्या समझे। मेहनत कीजिएगा ना, जी लेकिन उम्मीद बहुत बड़ा होता है कि मेरा हो जाएगा। हो जाएगा और जब सही रिज़ल्ट आता है ना, जी तो सर उन लोगों को लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या एक तरीके से बदतमीजी हो गया कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे दोस्त का अगले मेरा नहीं हुआ, क्या समझे। ठीक है, जी सर जी सर तो वहाँ पे आपको ये भी तो एक्सेप्ट करना होगा ना अपने आप में कि यार मैंने नहीं दिया तो नहीं हुआ, मेरा बात ख़त्म हो गया, इसमें मुंह बनाने वाली बात क्या है, या फिर कहिए उदास होने वाली क्या बात है, क्या समझे। जी सर तो इस तरीके से सबसे पहले आपको समझना होगा, खुद से बात करना होगा कि मैंने नहीं दिया वहाँ पे अपना, इसलिए मेरा नहीं हुआ, बात ख़त्म हो गया, क्या समझे। जी ठीक है, जी सर उसमें कोई वैसा मतलब जादू नहीं है, फिर कहीं चमत्कार नहीं है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने जी नहीं दिया इसलिए आपका नहीं हुआ, सबसे पहली बात। जी अब सर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम इसको निकालना है तो अब मेरे को क्या करना होगा, समझ रहे बात को। ठीक है, जी सर तो
सबसे पहले तो आप उनसे बात कीजिए, अगर कोई है वैसा दोस्त जिन्होंने इसको निकाल रखा है, ठीक है। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे दोस्त गए, ठीक है, उन्होंने जी प्रिपरेशन किया, उसका फिर उनका हो गया, ठीक ना। देखिए आज के डेट में प्रॉब्लम क्या होता है ना भाई, कि जैसे कोई आदमी आगे बढ़ जाता है ना, खासकर अपना ही लेवल का, तो वहाँ पे जी जी जैसे आप हैं तो आपको लगेगा कि यार इसमें ईगो एटीट्यूड आ गया होगा, तो शायद पता नहीं मेरे को गाइड कर पाया नहीं कर पाया, ठीक है। ये मतलब ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल होता है, समझ रहे हैं। जी जी जैसे कोई बगल में आपका दोस्त है, पड़ोसी है, वो जॉब हो गया, तो आपको जी लगे यार मेरे को ऐसे बात बात नहीं करना, क्या समझे, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों की तरह सोचिएगा ना आप ज़िंदगी को, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि वो आदमी ने उसी सिचुएशन में रह करके उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो आपको बेटर तरीके से वो गाइडलाइन करेगा, समझ रहे हैं बात क्या बोल रहा हूँ सर, ठीक है। जी सर जी सर आप मेरे से अपना प्रॉब्लम क्यों शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अननोन हैं, ठीक है। लेकिन जी वो जो आदमी है बगल में या फिर जो भी दोस्त है, वो आपको जानता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आदमी जी क्या सर सोचता है कि मेरा प्राइवेसी इसके सामने लीक ना हो जाए, फिर कहिए मैं कितना कमज़ोर हूँ अंदर से, ये इसको पता ना चल जाए, क्योंकि वहाँ पे जी आ रहा है बात ईगो एटीट्यूड का, समझे, जो जी आपने ऐसी मतलब फालतू का बना रखा है, ठीक जी है। सर तो अगर आसपास में कोई आदमी है जो ये सब फील्ड से गुजरा हुआ है, तो सबसे पहले उससे सजेशन लीजिए कि भाई देखो मेरे को भी निकालना है, क्या क्या करना होगा, समझ रहे बात को, ठीक है। जी सर अगर जी सर उनके ओवरव्यू से आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं, समझे, जी क्योंकि जी वही सर रीज़न है कि यार ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत, मतलब ये मतलब लेबर कैटेगरी का सोच होता है ऐसा, समझ गया ना। जी सर तो सबसे पहले भाई आप अपने आप को रखिए, आसपास से जो भी आइडिया लग रहा है ले लीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप सबसे पहले आइए रूम में, आप सबसे पहले देखिए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, ठीक है, समझ गए। जैसे पावर सिस्टम पढ़ना है, तो अब ऐसा नहीं कि पावर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मैं एसएससी जेई के लिए ही पढ़ूंगा, क्या समझे। आप अपने आप को इस तरीके से उसमें डालिए, इन्वॉल्व कीजिए, कि अगर आरआरबी जेई का भी आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी आ रहा है, तो उसमें भी मेरा वो काम आ जाए, समझ गए बात को। अगर मैं पावर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एसएससी जेई के लिए एक बार पावर सिस्टम पढ़ूंगा, फिर एक तरीके से आरआरबी जेई के लिए पावर सिस्टम पढ़ूंगा, एक बार फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप जब टाइम दे रहे हैं तो उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वो ख़त्म हो गया, जी सर जी कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैकअप की तरह काम करता है, समझ गए। जैसे जी जेई सर में भी भाई, जेई में भी आप कितना भी सब्जेक्ट जोड़ लीजिएगा ना नॉर्मली, तो कम से कम तो 10 सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी आपको सर जुड़ा देता हूँ, पावर सिस्टम हो गया, सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद फिर आपका कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका 2-3 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक से डाल दीजिए आप, हो गया ना, समझे, इतना जी सारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर नॉन टेक में घुसते हैं तो उसमें भी देख ले, रीजनिंग हो गया, ठीक है, मैथ्स तो जी पूछता नहीं एसएससी जेई के लिए, तो उसको तो छोड़ दिया, वो भी एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि और भी आरआरबी जेई इस समय तो पूछेगा ना वो, तो मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर पूरा स्टैटिक जीके हो गया, जो आपका हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें फिर आपका सोशल साइंस इकोनॉमी, तो सोच लिए कितना सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जी हम सर लोग क्यों बोलते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, देखिए जब 2 महीने बाद एग्ज़ाम है आपका, तो 2 महीने पहले आप क्या 10 का 10 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, किसी के बस में है, नहीं पॉसिबल नहीं है, सर ठीक ना नहीं भाई, सर नहीं पॉसिबल होता है। तो भले ही आपने 10 सब्जेक्ट कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ा हो, अगर आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं 2 महीने पहले एग्ज़ाम से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्या समझे, ठीक है। जी सर तो वहाँ पे चैलेंज आता है कि कितना मैं रिवाइज्ड हूँ, जितना भी अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन गेन किया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या प्रोवाइड करता है, कि कॉन्सेप्ट आपका कम से कम तो 50% का बैकअप बनाया हुआ रहता है, ठीक है। कुछ जी चीज़ सर ऐसे दिमाग में घुस जाता है कॉन्सेप्चुअली, जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हैं, फिर भूलिएगा भी तो उसको बहुत लंबा प्रोसेस लगता है निकलने में, समझ में आ रहा है, ठीक है। जी सर तो कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए सबसे पहली बात आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में घुसा रहे हैं लंबे समय के लिए उस चीज़ को, तो सीधी सी बात उसको घुसाने में भी लंबा समय लगेगा, क्या समझे, जी ठीक है जी ना। सर तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरा अब 70% या फिर 80% मेरा हो गया है पूरा प्रिपरेशन, जो भी ये एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है मेरे से। उसके बाद जी फिर सर फॉर्म भरिए, ठीक है। फॉर्म ऐसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनका जो होता है ना, एक तरीके से डिग्री हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, फिर जो भी है, मतलब जब जी सर एलिजिबल हो जाता है उसी समय से वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ा गलती होता है। आप एक दो बार फॉर्म दे सकते हैं स्टार्टिंग पीरियड में, उससे भी आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंसड होंगे। जैसे मान लेते आपने जब पास आउट किया था 2015 में, तो आपने जी फॉर्म भरा सर होगा, तो उसको घंटा कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता है किसी को भी, समझ रहे बात को, क्योंकि आपको हाँ आइडिया ही नहीं लगता है कि कहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि डिप्लोमा क्वेश्चन में आ जब रहा है पढ़ता है ना आदमी, उसको उतना वो सब पता ही नहीं होता है। कि सब्जेक्ट का भी अगर नाम याद हो गया ना, तो बहुत बड़ी बात है कि इतना इतना सब्जेक्ट जो है ये सब से आ रहा है, क्या समझे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर
इन्फॉर्मेशन गेन करके फॉर्म भरते हैं ना भाई, तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। जैसे आपने इतना सारा एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक आदमी का फेलियर वाला माइंडसेट हो जाता है, समझ गए, कि मैं बार बार बिल्कुल फेल 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 होते जा रहा हूँ, या फिर कहिए इतना सारा मैंने फॉर्म भरा, घर वाले बोलेगा इतना सारा फॉर्म भरा तुम्हारा होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए, ठीक है। और जो भी आप फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम देने में जो भी पैसा लगता है, मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम देने में भाई आपका जैसे यूपीपी से ले लीजिए, 1,000 रुपये उसका फॉर्म का फ़ी है, ठीक है। उसके बिल्कुल फिर आने बिल्कुल जाने का उसमें कम से कम 2,000 रुपये रखिए, 3,000 रुपये आपका ऐसे ही चला जाएगा, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। जी तो सर उन पैसों को आप अभी अपने पास रखिए, आने वाले दिनों में उसको यूज़ कीजिए, समझ में आया, ठीक है। जी क्योंकि सर आपके पास लिमिटेड पैसा है, ऐसे ही आप बहाते जाइएगा तो उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, समझ गए। जी तो सर पहले आप पढ़िए आराम से रह करके, ठीक है, अपने आप को बंद करके पढ़िए, दोस्त लोग भर रहा भर लेन दीजिए, समझ में जी आया। सर आप देखिएगा रिजल्ट उसी का होता है, या फिर आपके कांटेक्ट में वही लोग का रिजल्ट हुआ है जो पढ़ रहा था एक्चुअली में, सही बात है, ठीक है जी ना। सर तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि अभी फॉर्म भरना सही टाइम नहीं है, अभी मेरे को पढ़ना है। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ 80% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके बाद फिर आप फॉर्म भरिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप एक तरीके से फील्ड में उतरिए, उससे क्या होगा आपके माइंड में कभी भी फेलियर वाला माइंडसेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको मेंटली कमज़ोर करते जाता है बहुत ही डेप्थ लेवल में, ठीक है। आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगेगा टाइम टू टाइम। हाँ सर वही तो हाँ इतना सर हाँ तो अभी जो आपके मन में स्ट्रेस है ना, यही है, आपने यही गलती किया है पहले, समझ गए। तो आप पहले पढ़िए आराम से, उसके बाद फिर, हाँ उसके बाद आप सोचिए फॉर्म वॉर्म भरने का। तो सर बुक बुक को खत्म करें पहले जो डिप्लोमा के बुक है हाँ आप पावर सिस्टम कोई भी एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट रखिए पैरेलल में, ठीक है। जी और जी सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए बोलूँगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप बुक ले लीजिए कोई भी, उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है, समझ गया ना। जी बेसिक सर इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट कीजिए, बुक से पढ़िए, या फिर अगर आपको AAA लेक्चर ये सब चाहिए तो उससे भी आपको हेल्प लेक्चर मिल सर जाएगा। आप हाँ हम आपका लेक्चर पूरा लेंगे लेकिन हाँ अभी हम अपने आप को संजो नहीं पा रहे उस तरह कोई से नहीं, कोई अभी इशू नहीं सर भाई, कोई इशू नहीं, अभी देखिए जब ना। मैं हाँ 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 जब रूम वूम के लिए हो जा रहे हैं ना बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर बिल्कुल, हाँ भाई इस 5 साल हो गया घर वाले बहुत साहब मुझे हिम्मत नहीं कर रही है मैं उतना वो भी नहीं हूँ कि जाके मैं कर सकता हूँ समझ रहा हूँ भाई। इसलिए तो यही है भाई कि थोड़ा सा वही होता है ना, जैसे इतना टाइम आपने दिया, मतलब फैमिली का जब मतलब सपोर्टिंग टाइम था उस समय आपने उसको थोड़ा सा मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में ले लिया, ठीक ना, आपको उस तरीके का आइडिया नहीं लगा, वो गोल्डन टाइम आपके यहाँ से चला गया, क्योंकि फैमिली भी अब सपोर्ट नहीं करेगा इतने लंबे समय तक, ठीक है। जी सर वो तो और अब कर ही बस साल भर किसी तरह हाँ कर लो हाँ ये तो कर लो हाँ तो 1 ईयर अभी यही होता है ना भाई, लास्ट में आके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है लड़का। लेकिन भाई अगर आप स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, कर रहे हैं, लेकिन जी सर एक मतलब होता है ना, जितना इंटेंसिटी से चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम में, बताया ना मैंने, 2 महीना जी सर पहले जो आपको रिवीजन चाहिए पूरा पूरा, वो आप नहीं जी कर पा सर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी आपके पास वो उस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपके माइंड में उतना डाटा इन्फॉर्मेशन रह पाए, समझ गए। जी सर तो अभी बस यही है, फिर से स्टार्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट करने में आपको जो भी मतलब स्टार्टिंग में तो मेहनत लगेगा भाई, लेकिन एक बार गेन कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ट्रैक पे आ जाइएगा आप, समझ गए सर ना। सोच अब हम यही अभी तक मैं आर के राजपूत को नहीं पढ़ पाया सर क्योंकि मैं किताबी पढ़ते पढ़ते तब तक एग्जाम आ जाता हाँ, था ये यही बात बोल रहे हैं कि आर के राजपूत में देखिए ऐसा ऐसा लड़का है कि आर के राजपूत पूरा मतलब उसको बोल दीजिएगा ना इसका क्या आंसर है इसका, वो बता देगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आर के राजपूत का माइक्रो प्रोसेस छोड़ करके एक क्वेश्चन आप पूछ दे मेरे को याद है अभी की डेट में, ठीक है। अरे सर हैं तो ऐसे लड़के हाँ बहुत हाँ हैं तो सब वही वही बोल बताने रहे में हैं ना मदद किए कि आप उन्हीं से, मतलब मैंने जो बोला ना कि आप आसपास में एक तरीके से विजुलाइज कीजिए, उनसे एब्जॉर्ब कीजिए कि वो लोग क्या कर रहा है कि उसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। जैसे आपने बोला ना कि उनको आर के राजपूत याद है लेकिन आपको याद नहीं है, तो कहाँ से रिजल्ट होगा, जी समझ रहे हैं ना, ठीक है। सर जी सर तो यही है भाई, समझ गए, और कुछ नहीं है, तो बस स्टार्ट कीजिए आप, ऐसा नहीं है, समझ गए। और अभी जो भी फाइनेंशियल से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए मम्मी पापा से देखिए थोड़ा, अगर अफोर्ड कर पाते तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब क्योंकि अब तो वो गोल्डन टाइम चला गया ना, तो आपको खुद से अब मैनेज करना पड़ेगा, समझ गए, बिल्कुल चार पाँच घंटा फिर बिल्कुल आपको इधर फाइनेंशियल स्टेबल होने में देना पड़ेगा कि वहाँ से कुछ जनरेशन हो, समझ गए। और हाँ सर वही हाँ, मैं तो यही इसलिए बोलूँगा आप आपको, सजेशन यही दूंगा कि अभी जैसे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं 1 साल को जो भी बोला, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए आप पूरे पूरे माँ बाप पे ही डिपेंडेंट हो जाइए। आप जी साइड सर से कोई वैसा एजुकेशन फील्ड में रहते भर में अगर आप इनकम सोर्स ढूंढ पा रहे हैं, ठीक ना, जी दो सर घंटा 3 घंटा इधर उधर करके, ठीक है, कोचिंग ये सब दे करके, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए भाई, ठीक ना, समझ गए। क्योंकि 1 साल बाद जब तो सर कह फाइनेंस, रहे हैं कि हाँ एक सर की
क्या अगर मैं रूम ही पे आपका जो ले रहा हूँ लेक्चर, उसके बाद रूम पे तो वो कर लेना कोचिंग से, तो अब हमारी हिम्मत तो कोचिंग करने की नहीं कर रही है सर। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए कोचिंग से लाख गुना बेटर होगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। सर आप पूरी बेसिक पढ़ा देते हैं, हाँ कोचिंग हम हाँ देखे तो हैं जाके इलाहाबाद में जो भी है कोचिंग हम देख कोचिंग, चुके हैं। कोचिंग भाई बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग हम लोग के बगल में ही है ना। कोचिंग हम लोग भी देख रहे हैं ना कि आदमी से कितना पैसा लिया जा रहा है, किस लेवल का इन्फॉर्मेशन दिया जा बीस रहा बीस है। हजार 25-25 हज़ार ले हाँ रहे हैं और कुछ नहीं शुरू में, उसके बाद हवा में तो पढ़ा रहे हैं। यही चीज़ मैंने बताया ना भाई, देखिए यही चीज़ आदमी सोच नहीं पाता है या फिर उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने आपको समझाया जी कि सर जब आप पास आउट हुए तो उस समय डायरेक्ट आपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जी, तुरंत फार्म भरने क्योंकि लगे। आपको उस तरीके को गाइडलाइन नहीं दिया था, आपको लग रहा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, समझ गए। जी सर हाँ और सर पॉलिटेक्निक ये सब का ऐसा माइंडसेट होता है ना, मतलब खासकर गांव ये सब में आदमी जी लोगों का या सर फिर गार्जियन लोगों का, उनको जी लगता है कि अभी ये डिग्री ले लिया तो मेरा बेटा का नौकरी हो जाएगा, क्या हो समझे। ठीक जाएगा। है, हाँ सर एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं सर। तो वही माइंडसेट जो है ना उस बच्चों में भी आ जाता है कि यार देखो मैं पॉलिटेक्निक कर ले तो मेरा तो जॉब हो ही जाएगा, क्या समझे। जी सर ठीक है हाँ ना। सर हाँ और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं यार जेई में तो एकदम ऐसा ऐसा इजी क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा तो ऐसे ही हो जाएगा, क्या समझे, हाँ मतलब सर मन बढ़ा देता है आदमी का। हाँ तो उसी में जो आपका सबसे गोल्डन टाइम था ना, जिस समय आपके पास पैसा भी था और मम्मी पापा भी जी अफोर्ड कर रहे थे, वो जी आपका सर गलत जगह एक तरीके से यूज़ हो गया, समझ गए। जी और सर वही जब आपको आइडिया लगता है कि नहीं अभी मेरे पास उतना एबिलिटी नहीं है कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ, तब तक आपका जो मेंटली डिसऑर्डर होता है बहुत ही डाउन हो जाता है। वहाँ पे आप अपने आप को लगता है कि मैं हार रहा हूँ ज़िंदगी में, ठीक है। सर इस समय तो मैं बहुत बहुत हाँ स्ट्रेस हाँ में तो जो आपने कोचिंग वाला बोला ना, ये कोचिंग जी सर वाला, कोचिंग कौन लेता है, जैसे ही पास आउट हुआ ठीक है वो डायरेक्ट चला गया इलाहाबाद पटना या फिर जो भी आपका सिटी है जहाँ पे प्रिपरेशन होता है, वहाँ पे जी उन्होंने सर तो शौक से पैसा दे दिया ना, समझ रहे हैं। ठीक है, जी आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी सर जैसे इसको बोला जाता है इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि आपको अपने अंदर कुछ वैसा कमियां है, ठीक है, जिसके चलते आपका ये पूरा मार्केट चलता है। जी जैसे मान सर लेते हैं आपका स्किन थोड़ा सा काला है, ठीक है, जी सर तो आपको लगेगा ना कि यार मैं काला हूँ मेरे को कैसे भी गोरा हो जाना है, सही बात है। ठीक है, जी सर तो आपका दिमाग कहेगा कि चलो इस तरीके का टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आया, जैसे फेयर एंड लवली 25 साल से आपका चल रहा है ना टीवी पे, ठीक है, जी सर उस एडवर्टाइजमेंट करने वाले को भी पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना कि मैं इसको लगाने से गोरा हो जाऊंगा, सही बात है। जी सर उसी तरीके से मान लेते हैं आपका हाइट थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो आपको उसको जी भी लेकर के इनसिक्योरिटी आया, तो आपको अब लग रहा है यार मेरे को थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है अपना, सही बात है, जी क्योंकि जी सर मैं अंदर से मतलब अब उसके लिए भी आपके पास हजारों प्रोडक्ट है, हजारों दवाई है, हजारों पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है, ठीक है। उसी जी तरीके सर से आप मान लेते हैं आपका थोड़ा सा मतलब आँख इधर है, या फिर कहिए आपका नाक थोड़ा टेढ़ा है, या फिर कहिए आपका बियर्ड नहीं उग रहा है, आपका बाल झड़ रहा है, मतलब समझिए पूरा का पूरा जो मार्केटिंग है ना जी वो सर चाहता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहे, ठीक है। जैसे आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, इंस्टाग्राम में आपको ऐसा ऐसा मॉडल दिखाया जाएगा, मेल मॉडल जी खासकर, जिसके पास सिक्स पैक है, बाइसेप्स हैं, सर ट्राइसेप्स हैं, वो कपड़ा पहन रहा है तो उतना अच्छा जी लग रहा सर है, ठीक है, तो आदमी भी जी लगता सर है कि मैं पहन रहा हूँ तो मेरे को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, या फिर ये मेरा जो पेट निकला हुआ है ये इसको मैं कैसे ऐप्स में कन्वर्ट करूँ, तो उसमें भी आप फिर जिम जा रहे हैं, जिम भी पूरा बिजनेस है आपका, प्रोटीन खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं क्या जी बोल रहा सर हूँ सो। जी सर तो जी सर जो माइंडसेट होता है ना लोगों का जो नीचे में है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में, उनके जी माइंडसेट को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम हमेशा इनसिक्योरिटीज़ में जियो, ठीक है, जिसके जी चलते तुम हमेशा मेरे कंज्यूमर बने रहोगे। जी सर जी अब सर जैसे ये जॉब वाला भी जो है ना, जो कोचिंग वाला बोला आपने, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, जी सर वो एक दो बच्चों को प्रमोट करते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरा कोचिंग है, ठीक है, अब जी मान लेते हैं आपने सिलेक्शन ले लिया, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, आपको यूज़ करके इस जी तरीके से उसका एडवर्टाइज़ करूँगा कि सामने वाला भी मेरे पास आकर के पैसा पे करे, सही बात है, ठीक है, जी क्यों, सर जी क्योंकि आपने निकाल लिया तो लोगों में लगेगा यार मैं फेल होते जा रहा हूँ, मैं भी फेल होते जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा तो मेरा भी एक तरीके से हो जाए, तो इनसिक्योरिटी था तभी तो उसने मेरे को पैसा पे किया, समझ रहे हैं बात को। जी सर तो आपको मतलब खुद में, मतलब आप खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, समझ में आया, कि मेरे अंदर क्या कमी है, आप अपने अंदर में नहीं देख रहे हैं, आप अपने अंदर का जो इनसिक्योरिटी है ना उसको आप दूसरे के सामने रख करके देख रहे हैं, और वही आपको एक तरीके से मजबूर कर रहा है कि तुम मेरे कोचिंग में कितना पैसा दो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, समझ है। लेकिन सबको पता है कि आप जब खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं होने वाला आपका कभी भी।
समझे, कोचिंग में देने से ऐसा बहुत सारा है भाई। हर कोई आदमी चाहता है ना कि यार देखो मैं तुमको इतना रुपया दे दे रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम निकल जाना चाहिए, बस यही सोच के ना आदमी आता है एग्ज़ाम में, एक कोचिंग में पैसा दे रहा है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। सही बात है, लेकिन वो जी भूल जी जाता है कि मेरे को वहाँ पर खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटली एज वेल एज़ फिज़िकली, समझे। और कोचिंग वाले को पता होता है कि ये लड़का, मतलब कोचिंग में देखिएगा कभी कभी इतना हाई इंटेंसिव क्लास दिया जाता है ना, ठीक है, खासकर जो जो भी है, ठीक है, जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइफ में बहुत काम आएगा, जो जिम होता है ना, जिम में कभी भी जाइएगा तो वहाँ जी पे, जी कभी गए हैं आप, गए हैं सर एक बार। उनका जो पैकेज होता है ना, ठीक है, जी। मिनिमम 1 मंथ का होता है, ठीक है, तो 1 मंथ का देखिएगा सबसे महंगा होगा, जैसे मान लेते हैं 1 मंथ का वो 1000 चार्ज कर रहा है, ठीक है, फिर आप जी पूछिएगा सर 2 महीने का क्या पैकेज है, तो 2 महीने का बोलेगा कि आपको 1800 रुपये लगेगा, लेकिन आपका ऐसे 1000 का 2000 होता है ना, समझ रहे, वहाँ पे 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फिर आप और ज़्यादा ये बोले मैं 3 महीने का बताइए, तो 3 महीने का आपको तो ऐसे 3000 होना चाहिए था, लेकिन वो बोले आपका 3500 रुपये ही लगेगा, सॉरी 2500 ही लगेगा, पच्चीस सौ ठीक है। हाँ तो वो ब्रेन वॉश करता है एक तरीके से, इसको कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बोलते हैं भाई, ठीक है, ये आपका मतलब पूरा साइकोलॉजिकल चल रहा है, साइकोलॉजी है पूरा, ब्रेन का बिहेवियर है। जी सर तो जी आपने देखा यहाँ पे मेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, मैं 3 मंथ वाला ले लेता हूँ, ठीक है, दे देता हूँ हाँ सर 3 महीने लिएगा ना, वो जब फर्स्ट दिन जाइएगा ना, पहला दिन वो ट्रेनर बहुत तेज होता है, या फिर कहिए उसको भले ही पता ना हो, लेकिन वो आपको कहेगा कि तुम यहाँ पे 100 पुशअप्स मारो, 100 पुलअप्स मारो, 100 क्रंचेस मारो, ठीक है, मतलब इतना जी ज़्यादा हाई इंटेंसिव डाल देगा ना, ऐसा एक्सरसाइज डाल देगा कि आप 2 दिन में या फिर 3 दिन में बर्न आउट हो जाइएगा, समझ गया, चौथा दिन आपको जिम जाने का मन नहीं होगा, ठीक है, वहीं से आपका फिर गैपिंग वाला पीरियड स्टार्ट होता है, समझ गए, क्योंकि ये सब जो जिम ये सब होता है, जो वर्कआउट होता है, फिजिकल फिटनेस होता है, ये 3 महीने या 4 महीने का नहीं है, ठीक है, आपका मेंटल स्टेटस ही था कि मैं 3 महीने ज्वाइन करूँगा और मेरा ये जो बेली फेट है या फिर कहीं जो मेरा जो भी है बॉडी डिसऑर्डर में जो आज के डेट में, वो पूरा पूरा वो मॉडल की तरह हो जाएगा, क्या समझे, ठीक है। जी सर तो क्योंकि आपने यही सोच के लिया, तो सामने वाला भी आपको वैसा ही इंटेंसिव एक्सरसाइज करवाएगा, क्या समझे, ठीक है, जी सर लेकिन ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल है, समझ रहे, आपको समय लगेगा ये सब में, तो एजुकेशन भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, 6 महीना या फिर कहिए 7 महीना का कोचिंग लेने के कारण आप जेई बन जाइएगा, फिर एई बन जाइए, फिर गेट क्रैक कर लीजिएगा, तो आपको बहुत बड़ा लेवल पे बेवकूफ़ बना जा रहा है, समझ रहे बात को, आप जी सर बेवकूफ़ वो नहीं बना रहा है, आपको, आप खुद बन रहे हैं, क्योंकि आपने रियलिटी को घोट के नहीं पिया है, समझ रहे हैं, जी ठीक जी है। सर जी तो आसपास में सबसे पहले आप विजुलाइज कीजिए कि भाई आप पास आउट कब हुए, कितना समय लगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या किया, वो आदमी रियलिटी बता दिया ना अगर, तो आपको लगेगा कि हाँ ये 6 महीने का काम नहीं है, या फिर कोई कोचिंग वाला कोचिंग ज्वाइन करने से कभी भी नहीं हो सकता, कोचिंग उनके लिए होता है भाई जो ऑलरेडी पहले से कुछ 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 पढ़े हुए होते हैं, ठीक है, जी सर समझा जी ना, सर आप एकदम फ्रेशर हो की तरह आप कोचिंग में जाइएगा तो आपको नहीं बताएगा, ठीक है, और यही मेन डिफरेंस होता है हम लोग के वीडियोज़ में और जो अदर होता है, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मेरे को पता है ना कि बच्चा को क्या क्या नहीं आता होगा, समझ रहे हैं, जी ठीक है, जी सर तो यही बस छोटा सा डिफरेंस होता है जो आपको कोचिंग में नहीं मिल पाएगा, वो वही आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो यही है भाई, बस मतलब को समझिए, आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा ना, आप लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड में लेकर के, चाहे आपका एजुकेशनल फील्ड हो, आपका फिटनेस फील्ड हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, और जो मैंने आपको इनसिक्योरिटीज़ बताया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करने का मतलब ये, जैसे जो हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए होता है ना, जिसमें जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, उनको पता होता है, पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं कि आपका जो पैर का हड्डी है ना, ये इतना ही सेंटीमीटर बड़ा होगा, ठीक है, या आपका जो बाल है ये काला होगा, या फिर आँख है वो भी काला होगा, या फिर ब्राउन होगा, ये आपका बियर्ड है ये इतना ही उगेगा, ठीक है, वो प्रोग्राम्ड होते हैं पहले से ही, जब आप मतलब आपके माँ बाप का वो जो जीन है ना, उसमें प्रोग्राम्ड रहता है, आपको वो बाहर से कोई भी मतलब चेंज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए 1-2%, लेकिन वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, जो आपका स्किन है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो खुद में पहले एक्सेप्ट कीजिए कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं औरों से कम हूँ, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने अंदर इतना ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन कीजिए कि सामने वाला जब आप बैठ रहे हैं उसके साथ बात कर रहे हैं तो जी सर आपके सामने कुछ लगे ही ना, ठीक है, यानी हर चीज़ का तोड़ एक नॉलेज है भाई, ठीक है, समझ में आया, भले ही जी सर आप फिज़िकली कैसे लगते हैं, आपका बॉडी अट्रैक्टिव है या नहीं है, चेहरा काला है या गोरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी डिफाइन करेगा आपके पास नॉलेज क्या है, ठीक है, जब आप नॉलेज वे में बात कीजिएगा सामने वाले से ना, तो कोई भी रहे कैसा भी रहे वो आपके सामने छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, तो नॉलेज के ऊपर गेन कीजिए, और उसमें ऑलरेडी बताया कि लॉन्ग प्रोसेस है आपका, समझ गया ना, टाइम लगेगा भाई, ओके।
ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद सर, चलिए, बहुत ठीक है बहुत भाई, आप परेशान थे स्टार्ट सर। कीजिए, ठीक ना। उसके बाद ठीक जो भी है बस दिमाग में रहिए कि 6 महीना 7 महीना का ये प्रोसेस नहीं है, कम से कम तो 1 से 1.5 साल टाइम लगेगा, ठीक ना भाई। उसमें भी आपका डिपेंड करेगा आपका ईमानदारी क्या है, ठीक है, किस लेवल से आप मेहनत कर रहे हैं। ओके, जी सर, जी हाँ सर, जी, जी हाँ सर, जी, ओके सर, चलिए, ठीक है ओके सर, ओके भाई, धन्यवाद। ओके ओके।